आप लोगों के अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पास आ रहे थे, जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिए हैं कि सबसे सस्ता रिचार्ज। आज की डेट में हर इंसान दो सिम को यूज करता है, एक होता है उसका कॉलिंग नंबर और दूसरा जस्ट लगा देता है कि उसका पुराना नंबर है या उसका वो नंबर भी, मतलब सेकंड स्लॉट जो होता है सिम डालने का उसे भी वो खाली नहीं। आपको सिर्फ इनकमिंग कॉल के लिए कि ताकि वो सिम खराब ना हो, बंद ना हो, इसके लिए आप उस पर अक्सर इनकमिंग कॉल का रिचार्ज करवाते होंगे। लेकिन 2022 में जब से हर कंपनी ने अपने रिचार्ज प्लान बढ़ा दिए हैं, तब से सब लोग कंफ्यूज हैं कि सबसे लोअर इनकमिंग कॉल, तो कई लोगों को सिर्फ एक ओटीपी के लिए भी उस रिचार्ज को कराना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से रिचार्ज हैं। सबसे पहले जो हमारे देश की सबसे बड़ी नेटवर्क कंपनी है उसका ही स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है जियो। गाइस थोड़ा सा मेरा इंट्रो हो जाए। माय सेल्फ सुरेश सिंह राणा, आप देख रहे हैं मोबाइल हीरो यूट्यूब चैनल। चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जियो का जो पहले जो रिचार्ज था सबसे सस्ता, उसकी प्राइस थी 129 रुपए, और अब उस रिचार्ज की कीमत हो गई है 155 रुपए। इसमें आपको क्या क्या मिलता है वो भी आप जान लो। दोस्तों ये रिचार्ज आपका 28 डेज के लिए रहेगा और इसमें आपको अनलिमिटेड कॉल्स मिलेंगी। प्लस इस प्लान में आपको 2 GB डाटा मिलेगा, 28 दिन के लिए 2 GB डाटा मिलेगा जिसे आप यूज कर सकते हैं। प्लस इसके साथ आपको मिलेगा 300 SMS मिलेंगे, जो कि आप कभी भी कहीं भी यूज कर सकते हो 28 दिन के लिए। तो गाइज ये था जियो का सबसे सस्ता वाला, जो अभी उनका प्लान चल रहा है इनकमिंग कॉल वाला वो चल रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट रिचार्ज के ऊपर चलते हैं। सेकंड कंपनी आती है हमारे पास एयरटेल। एयरटेल की बात कर लेते हैं। दोस्तों इनका जो पुराना सबसे सस्ता इनकमिंग कॉल वाला जो प्लान था या अनलिमिटेड कॉल वाला जो प्लान था वो था 149 रुपए का। अब ये बढ़कर के हो गया है 179 का, यानी कि 179 रुपए का। दोस्तों बात करेंगे इसकी वैधता की, तो ये 28 दिन के लिए अप्रूवल रहेगा। प्लस आपको इसमें मिलेगा अनलिमिटेड वॉइस कॉल्स, और आपको इसमें मिलेगा 2 GB डाटा 28 दिन के लिए। प्लस में आपको इसमें मिलेगा 100 SMS। दोस्तों ये था एयरटेल का सबसे सस्ता जो प्लान अभी चल रहा है वो चल रहा है 179 रुपीज का। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट कंपनी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आता है BSNL। BSNL आपको पता ही होगा ये एक सरकारी कंपनी है और इसके प्लान बहुत सस्ते होते हैं। लेकिन एक इशू मेरे को हमेशा इस चीज में फेस करने को मिला है BSNL में, आपके साथ जब आप सुनी रहे हो तो बता भी देता हूँ, अक्सर इसके नेटवर्क नहीं मिल पाते हैं, ये इसमें बड़ा इशू है। इसलिए भी कई लोग इसे सिर्फ बस एक सिम के नाम पे सिर्फ इनकमिंग जिंदा रखने के लिए उसमें सिर्फ इनकमिंग रिचार्ज करते हैं। दोस्तों बात करेंगे इसके रिचार्ज की, तो इसका जो रिचार्ज है ये पहले पुराना कुछ भी नहीं है, इसका वही है। इसका जो सबसे लोअर प्राइस का अनलिमिटेड कॉल वाला प्राइस है वो है 48 रुपीज का है, जो कि 15 दिन के लिए इसकी आपकी वैधता रहेगी। प्लस आपको इसमें 2 GB डाटा भी मिलेगा, और प्लस में आपको इसमें अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिलेंगी 15 दिन के लिए। प्लस आपको इसमें 2 GB डाटा भी मिलता है, बाकी SMS वगैरह इसमें आपको नहीं दिए जाते हैं। लेकिन इसकी सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसकी प्राइस बहुत कम है। आज की डेट में 48 रुपीज में आप 15 दिन तक अनलिमिटेड कॉल कर सकते हो, ये बहुत बढ़िया बात भी है। और दोस्तों अब आती है हमारे पास आखिरी कंपनी, यानी कि लास्ट कंपनी, जिसका नाम है VI। वोडाफोन आइडिया को मिला करके बन गया है VI। VI की मैं बात करूं, इसका जो सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान था अनलिमिटेड वॉइस कॉल या इनकमिंग कॉल वाला, तो वो था 149 रुपए का पुराना। अब इसका प्राइस बढ़ करके हो गया है 179, यानी कि 179 रुपए। इस प्लान की वैधता 28 दिन के लिए रहेगी, और इसमें आपको 2 GB डाटा भी मिलेगा 28 दिन के लिए, 300 SMS फ्री मिलेंगे आपको इस प्लान के साथ, प्लस आपको मिलती है अनलिमिटेड वॉइस कॉल 28 दिन के लिए। दोस्तों इस वीडियो से यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्प हुई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो से रिलेटिव आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई जरूर करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया होगा, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका दिन बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू, धन्यवाद।